हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैं गिराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द एसी जनरेटर। अब हम प्रत्यावर्ती जनित्र के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं प्रत्यावर्ती जनित्र क्या होता है, मतलब एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती जनित्र। ये प्रत्यावर्ती जनित्र जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती जनित्र जो है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपको पता है कि इसमें जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता था तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। तो यहाँ पर एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह इसकी सहायता से लगभग 100 मेगावाट तक 100 मेगावाट तक के लिए हम इसमें वैद्युत का उपयोग कर सकते हैं, सामर्थ्य उत्पन्न कर सकते हैं या शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। सामर्थ्य उत्पन्न की जा सकती है, यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रत्यावर्ती जनित्र जो है इस इतनी सामर्थ्य उत्पन्न करने का एक अत्याधुनिक उपकरण है। तो सिर्फ सीधे कह सकते हैं कि एसी जनरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा इसकी सहायता से लगभग 100 मेगावाट तक सामर्थ्य उत्पन्न की जा सकती है। तथा इसमें क्या होता है, आइए इसकी वर्किंग के बारे में और डायग्राम में समझते हैं कि इस प्रकार से कोई ये कुंडली है जो जिसका एक्सिस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत रहता है। ये दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N और S के बीच में इस तरीके से घूर्णन करती है। एक ध्रुव मान लेते हैं N है और दूसरा ध्रुव जो है वो S है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो आयताकार कुंडली है इस तरीके से दो ब्रश होते हैं जिनको हम एक्स ब्रश और वाई ब्रश, और इस तरीके से दो सर्पिल वाले होते हैं। और ये इस आयताकार कुंडली को मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ होता है, इनको कार्बन ब्रश भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इन चीजों को हम ये सर्पी वाले जो हैं इनसे लगे हुए ये कार्बन ब्रशेज हैं, आप ऐसे कह सकते हैं ये कार्बन ब्रश, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ये इसका डायग्राम है एसी जनरेटर का। इसमें कोई आयताकार कुंडली दो चुंबकीय प्रबल ध्रुवों यानी दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N और S के बीच में चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत घूर्णन करती है, अर्थात इसका घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत होता है, ठीक है ना।
तो इसकी वर्किंग में हम लिखेंगे, ये इसका डायग्राम हो गया, नोट कर लीजिएगा। और अब इसकी वर्किंग में लिखेंगे, इसमें कोई आयताकार कुंडली PQRS जिसका संबंध दो कार्बन रसों और सर्पी वलय से होता है, दो प्रबल चुंबकीय धुओं N और S के बीच में चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत घूर्णन करती है, अर्थात इसका अक्ष जो है घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। तो जब ये घूर्णन करती है तब इसके कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसे इस प्रकार से संचित किया जाता है। यानी अत्याधुनिक जो एसी जनरेटर है उसकी सहायता से लगभग हम 500 मेगावाट तक के लिए वैद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। और जिसमें कि खास बात ये रहेगी, ये 500 मेगावाट की जो वैद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है उसमें ये मान लीजिए कि लगभग 100 वाट के 50 लाख बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। आप सोचिए कितनी ज्यादा शक्ति है। तो ये है इसका डायग्राम और ये इसकी क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आयताकार कुंडली जिसका संबंध दो कार्बन ब्रशों और सर्पी वलय से होता है, ये दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N और S के बीच में चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत घूर्णन करती है, अर्थात इसका घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। जब इस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये है इसका डायग्राम। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका गणना। तो चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन होता है, तो देखिएगा, वी नो दैट ये फाई इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, बोथ साइड, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी टी फाई, फाई बी लिख सकते हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स होता है, बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू बी ए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसका अवकलन होगा। किंतु E इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ डी फाई बाई डी टी का मान रख दीजिए फैराडे के विद्युत नियम में, तो E इक्वल टू माइनस एन और माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो E का मान आ जाएगा बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल आया। या इसको और देखिएगा, फैन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो क्या होगा, ई का अधिकतम मान प्राप्त होगा, जिसे हम ई नॉट बोलते हैं, और ये ई मैक्स होता है। ध्यान रखिएगा, ये ई मैक्स है, ई नॉट, ये बी ए एन ओमेगा साइन 90, ठीक है ना, साइन 90। तो ई नॉट का मान आ जाएगा बी ए एन ओमेगा, इसको मान लीजिए समीकरण एक। और समीकरण एक में बी ए एन ओमेगा का मान रख दीजिए, समीकरण एक से ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या हम वोल्टा भी लिख सकते हैं इसको, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी, फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हम जानते हैं कि ई इक्वल टू माइनस एम डी फाई अपॉन डी टी, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। तो यहाँ पर मान रख दिया डी फाई बाई डी टी का, तो ई का मान बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा। इसमें आप स्थिति देखेंगे जबकि थीटा ओमेगा टी के इक्वल होता है और इसका मान 90 डिग्री हो, तो ई मैक्स होगा, अधिकतम होगा, जिसे हम ई नॉट से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आएगा बी ए एन ओमेगा, ये बी ए एन ओमेगा का मान समीकरण एक में रखेंगे तो ये सूत्र मिल जाएगा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसका कला चित्र के बारे में, कि किस प्रकार से ये कुंडली घूर्णन करती है। तो देखते हैं कला चित्र, यानी फेजर डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम।
ये क्या होगा। तो देखिएगा ये कोई कुंडली है, इस प्रकार से हम इसका जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये पूरा एक घूर्णन, एक घूर्णन के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं हम यहाँ पर कई स्थितियां हम दिखा लेते हैं चुंबक की। ये यहाँ पर चुंबक सेट होगा, ये N है, ये S है, इस प्रकार से ये चुंबकीय ध्रुवों के बीच में ये कुंडली घूम रही है। ये इधर की स्थिति के लिए है ये, फिर हमने एक और स्थिति ये N बनाई और ये S है, फिर ये N है और ये S है और इसी तरह से ये आखिरी बिंदु की स्थिति हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा पहली स्थिति हम इस तरह से ये इस तरीके से इसी बिंदु के इसी लाइन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे। तो ये पहली कंडीशन है बनाने का, तकनीक ध्यान दीजिएगा किस तरीके से बनाएंगे। पहले आप इस तरीके से कर दीजिएगा, दूसरी बार हम क्षैतिज, तीसरी बार कुंडली, फिर इस तरीके से, चौथी बार फिर क्षैतिज, पांचवी बार फिर इस तरीके से आएगी। अब ये देखिएगा इसकी सिचुएशन किस तरीके से होगी। अब ये क्षैतिज है, ये इस तरीके से होगी, फिर ये से होगी, फिर यह क्षैतिज है, ये होगी, फिर ये लंबवत है, ये ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु पी क्यू है और ये आर एस है। देखिएगा कि खास बात यही है, जब ये कुंडली इस तरीके से घूर्णन करेगी इस प्रकार से, तो पहली बार देखिएगा हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये डायरी है और ये इस तरीके की सिचुएशन पर है ऐसे, ठीक है ना। देखिएगा ये बिंदु P और Q, हम इनको ऐसे मान लें, ये P और Q आपको दिख रहे होंगे। जब ये पहली बार इस तरीके से करेगी तो ये PQ वाला पोर्शन कहाँ गया, पीछे गया, PQ और RS वाला सामने आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हम PQ वाले को इक्वल पकड़ेंगे, अगली बार जब ये किया 90 डिग्री तो PQ कहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया RS। अब जब 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पर आ गया PQ, ये इस तरीके से सामने आ गया PQ RS। और फिर 90 डिग्री जब घूमेगा तो PQ कहाँ आ जाएगा, नीचे PQ RS, क्लियर। तो जहाँ पे कुंडली थी उसी जगह आ गई, ध्यान दीजिएगा। आप ये तो साधारणतया बना ही लेंगे, ठीक है ना, आधा पीरियड ये आधा पीरियड ये मिलकर के एक पूरा दोलन हो जाएगा एसी का, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुंडली के लिए चुंबक बना दिए थे, वो भी आपने बना लिया और NS बिंदु दर्शा दिया। अब यहाँ पर हमने एक बार पूर्ण रेखा, एक बार क्षैतिज रेखा, पूर्ण रेखा क्षैतिज रेखा, पूर्ण रेखा क्षैतिज रेखा, ऐसे बना दिया। अब हम इस बिंदु पर एक कुंडली के बिंदु डाल दिए पी क्यू आर एस और ये कैसे घूर्णन करेंगे, देखिएगा ये इस तरह से पी क्यू आर एस, हम पी क्यू को केवल पकड़े, आधा 90 डिग्री घूमा, ये पी क्यू कहाँ पे आ गया, पीछे, आगे 90 डिग्री घूमा, पी क्यू कहाँ आ गया, ऊपर, ठीक है ना। फिर 90 डिग्री घूमा, पी क्यू कहाँ आ गया, सामने, और फिर 90 डिग्री घूमा, पी क्यू कहाँ आ गया, फिर जहाँ पर था वहीं पर आ गया। तो ध्यान रखिएगा
इस प्रकार से हम इसका कुंडली का घूर्णन भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो खास बात इनसे क्या होती है कि ये जो एसी जनरेटर है, आधुनिक जनरेटर जो है, आधुनिक प्रत्यावर्ती जनरेटर, उससे लगभग 500 मेगावाट की सामर्थ्य की शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, और जिससे जिस शक्ति का उपयोग एक साथ लगभग 50 लाख बल्ब उपयोग किए जा सकते हैं, जिनकी शक्ति प्रत्येक बल्ब की 100 वाट हो। तो ध्यान रखिएगा, अत्याधुनिक या आधुनिक प्रत्यावर्ती जनित्र की सहायता से लगभग 500 मेगावाट की सामर्थ्य उत्पन्न की जा सकती है, और उसका उपयोग 100 वाट के बल्बों के 50 लाख बल्बों को एक साथ प्रज्वलित किया जा सकता है। और खास बात यह होती है कि जो मेड इन यूएसए होते हैं, यानी यूएसए के निर्मित प्रत्यावर्ती जनित्र होते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान रखिएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 60 हर्ट्ज होती है, और मेड इन इंडिया जो होते हैं, भारत में निर्मित प्रत्यावर्ती जनित्र होते हैं, उनकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ओके, थैंक यू।